लोकसभा चुनाव के तहत दो चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। आमतौर पर मतदान की शाम 7 बजे तक प्राथमिक आंकड़े आ जाते हैं और रात 9 बजे तक और पुष्ट आंकड़े भी सामने आ जाते हैं। फाइनल आंकड़े अगले दिन तो सामने आ ही जाते हैं, लेकिन अब तक ये आंकड़े चाहे जितना वक्त लगता हो, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही इन आंकड़ों को आने में वक्त लग गया है। फाइनल आंकड़े आते आते अगला दिन हो जाता है, लेकिन अब तक ये आंकड़े आ ही जाते थे चाहे कोई भी चुनाव क्यों ना रहा हो, लेकिन इस बार मतदान के अंतिम आंकड़ों को आने में काफ़ी समय लग गया। ये आंकड़े कल रात चुनाव आयोग ने रिलीज किए हैं, यानी पहले दौर के मतदान के अंतिम आंकड़े 11 दिनों के बाद और दूसरे दौर के अंतिम आंकड़े 4 दिनों के अंतराल के बाद आए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले पहले दौर में मतदान 4% कम दर्ज किया गया और दूसरे दौर में करीब 3% दर्ज किया गया। प्रोविजनल यानी अस्थाई आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों का अंतर भी अब देख लेते हैं। पहले दौर में 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 61% मतदान दर्ज किया गया, लेकिन कल जो अंतिम आंकड़ा आया उसके मुताबिक ये 66.14% मतदान हुआ, यानी करीब 5.14 का अंतर। ये बहुत बड़ा अंतर माना जाएगा। अगर 2019 के मुकाबले देखें तो इस बार पहले दौर में मतदान 3.29% कम रिकॉर्ड हुआ है। 26 अप्रैल को दूसरे दौर में अब बात करते हैं, 88 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ तो शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 61.4% मतदान हुआ था, जो कि 26 तारीख की देर शाम का फिगर है। लेकिन मतदान के 4 दिन बाद कल जारी हुए अंतिम आंकड़ों के मुताबिक 66.71% मतदान दर्ज किया गया दूसरे दौर में, यानी 5.31% का अंतर। ये अंतर भी काफी बड़ा है। अगर 2019 के दूसरे दौर के मतदान के मुकाबले देखें तो इस बार मतदान 2.46% कम हुआ है। चुनाव आयोग के पहले दो दौर के मतदान के आंकड़ों पर और विश्लेषण के लिए देखिए हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार की ये रिपोर्ट। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग टर्नआउट जारी किया गया 30 अप्रैल यानी 11 दिन बाद। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ और उसका भी वोटिंग टर्नआउट चुनाव आयोग की तरफ से 30 अप्रैल को ही आया यानी 4 दिन बाद। मतदान के दिन की तुलना में वोटों में 4-5% की बढ़ोतरी पाई गई। अब विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है कि एक तो देरी से आंकड़ा दिया और दिया भी तो प्रोविजनल और फाइनल टर्नआउट आंकड़ों में इतना ज्यादा अंतर कैसे। ध्यान होगा कि जब पेपर बैलेट पे होता था तो भी इतने दिन नहीं लगते थे टोटल वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग शेयर्स को एक्सप्लेन करने में इलेक्शन कमीशन को। ऐसा क्या हुआ कि पहले फेज के वोटिंग के बाद आपको 7-8 दिन 10 दिन लग गए ये बताने में कि टोटल वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 66.1 और दूसरे चरण में 66.7% मतदान दर्ज किया गया है। दोनों ही चरणों में महिलाओं का मतदान पुरुष मतदाताओं से कम है। पहले चरण में महिला 66.1 तो वहीं पुरुष मतदाता 66.2% है। वहीं दूसरे चरण में महिला 66.4% और पुरुष 67.0% है। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा मतदान वाली सीट की बात करें तो वह असम का नौगांव लोकसभा सीट है। वहीं कम मतदान उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्ज किया गया है। दूसरे चरण में सबसे कम मतदान करने वाले 10 सीटों में गाजियाबाद, बेंगलोर, गौतम बुद्ध नगर जैसी शहरी सीटें शामिल हैं। अगर वोटर अगर अर्बन एरियाज की पहले बात करें तो वोटर एपैथी एक ज़रूर बहुत बड़ा कारण है। अगर आप चेन्नई में देखेंगे और बेंगलोर में भी देखेंगे, कर्नाटक में तो बम्पर वोटिंग हुई है लेकिन बेंगलोर में खास करके टर्नआउट कम हुआ है। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं अर्बन वोटर्स को ये लगता है कि उनकी लाइफ में गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि उन्होंने सारी सरकारें देख ली हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि पॉलिटिकल विल सरकारों के पास नहीं है उनके बेसिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, और कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी भी नहीं है। जैसे वाटर शॉर्टेज है, चेन्नई में बारिश होती है तो आज भी फ्लड हो जाता है, तो इन कारणों से थोड़ा जो अर्बन वोटर है, मिडिल क्लास है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर होता जा रहा है। शहरी सीटों में ग्रामीण सीटों के मुकाबले मतदान हमेशा ही कम होता है। इन सीटों पर मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग भी काम करता रहता है, लेकिन यहाँ मतदान इस बार कम ही दर्ज किया गया।
इस लोकसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण को मिलाकर देखें तो ग्रामीण सीटों पर मतदान 67.6% रहा, तो वहीं शहरी सीटों पर मतदान 66.4% रहा। इस तकनीक के दौर में भी चुनाव आयोग को 10 दिन लग गए वोटिंग टर्नआउट जारी करने में। सवाल है, क्या व्यवस्था में कोई खामी है, क्योंकि अभी 5 चरण के चुनाव होना बाकी है। साथ ही ये देरी विपक्ष के उन सवालों को बल देती हैं जो इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं। उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन सवालों पर अपनी चुप्पी तोड़ेगा। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए। चुनाव आयोग के इस बार जारी आंकड़ों में एक बात और भी है, और वो ये कि इस बार मतदान करने वाले लोगों की संख्या जारी नहीं की गई है। निकुल टोटल वोटर टर्नआउट कितना हुआ वो आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है। विपक्ष इसे लेकर भी अब सवाल उठा रहा है। CPM के महासचिव सीताराम येचुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, चुनाव आयोग ने पहले दो दौर के मतदान का अंतिम आंकड़ा आखिरकार दे ही दिया, जिनका शुरुआती आंकड़ों से अंतर जैसा आम तौर पर होता है थोड़ा नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा है। लेकिन हर संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या क्यों नहीं दी गई? प्रतिशत तब तक अर्थहीन है जब तक यह आंकड़ा पता ना चले। नतीजों में छेड़छाड़ की आशंकाएं बनी हुई हैं, क्योंकि गिनती के समय कुल मतदाताओं की संख्या बदली जा सकती है। 2014 तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हर संसदीय सीट के मतदाताओं की कुल संख्या मौजूद रही है। चुनाव आयोग को पारदर्शी होना चाहिए और ये आंकड़ा सामने रखने चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया पर इसी तरह की आशंका जताई थी और मतदाताओं की कुल संख्या न देने पर सवाल उठाए थे। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चुनाव आयोग के पूर्व संयुक्त निदेशक मोहम्मद अमीन साहब। अमीन साहब, सूचना की तकनीक तो अब अत्याधुनिक हो चुकी है, पलों में डेटा जुटाकर दूसरी जगह या केंद्र में चुनाव आयोग को भेजा जा सकता है, ऐसे में इस बार दोनों चरणों के फाइनल आंकड़े आने में इतनी देरी क्यों हुई, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, जब चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो उसमें कोई त्रुटि न रह जाए, इसलिए सारी चीजें कंपाइल होती है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जहाँ पे पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है या असेंबली का चुनाव हो रहा है वहां पर पहले कंपाइल होता है, जो वहाँ पे हमारे ऑब्जर्वर होते हैं सभी देख लेते हैं। देखने के बाद आप ये समझिए कि ये चीजें प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फॉर्म होते हैं, बहुत से फॉर्म, उन फॉर्म को भर के लोड किया जाता है, लोड करके वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाते हैं और जो कंसर्न सेक्शन है उसको देखता है कंपाइल करने के बाद प्रॉपर तरीके से, उसके बाद डाटा पब्लिक के लिए शो किया जाता है। जी अमीन साहब, आप तो कई सालों तक चुनाव आयोग से और चुनाव आयोग की प्रक्रिया से काफी करीबी से जुड़े रहे हैं। मतदान के आंकड़ों को जुटाने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कौन किसे आंकड़े भेजता है और क्या उन्हें रिलीज करने की कोई मियाद पहले कभी रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी काउंटिंग भी कराई है और इलेक्शन भी कराए हैं, ऐसा नहीं है। इस मामले में क्या है, सावधानी बरती जाती है, जो हमारे इलेक्शन ऑब्जर्वर्स होते हैं वो भी देखते हैं और जहां तक सवाल है जो इलेक्शन के अधिकारी हैं हमारे DO वो भी देखते हैं, सभी कई स्तर पर देखा जाता है और प्रॉपर तरीके से रिजल्ट प्राप्त होने के बाद ये आगे जो डाटा है ये ट्रांसमिट किया जाता है और इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है। तो वहां पे जो कंसर्न सेक्शन है उसको भी देखते हैं और पूरी कोई अगर कोई ऊपर नीचे कोई बात है तो उसे बात भी करने के बाद सही आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है जो साइट पे डाले जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला।